हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आरोपों से घिरे आजम खान ने फिर दी सफाई, लगाए गए आरोपों का खुलकर दिया जवाब। फर्जी ट्विटर अकाउंट से लेकर मॉब लिंचिंग तक दी प्रतिक्रिया। रामपुर से चुनाव जीतने की कीमत चुका रहा हूं मैं। आजम खान पर इन दिनों मुश्किलें हर दिन के साथ बढ़ रही हैं। उनके ऊपर अवैध जमीन कब्जाने के आरोपों से लेकर भू माफिया होने के इल्जाम लग चुके हैं। उनकी स्थापित की गई जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर 27 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा रामपुर में ऐसी संपत्तियों की जाँच हो रही है जिन पर अब आजम खान या फिर उनके जानकारों के कब्जे हैं। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने भी आजम खान पर अवैध संपत्तियों को लेकर दर्ज हुए मुकदमों की रिपोर्ट तलब की है। साथ ही उनकी बनाई यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल हुई रकम पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आजम खान अब सफाई के मोड में हैं और उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। नहीं, मैंने कभी ट्विटर यूज नहीं किया, ट्विटर अकाउंट ही नहीं बनाया, लेकिन काफी दिनों से मुझे इस बात की शिकायत मिल रही है, तकरीबन 6 महीने से, और इसकी मैं FIR पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन ना तो वो शख्स पकड़ा गया ना ट्विटर अकाउंट बंद कराया गया, क्योंकि ये क्राइम है और बार बार सरकार कहती है कि साइबर क्राइम पर उनकी सख्त नज़र है। आज भी मेरे नाम से ट्विटर अकाउंट पर काफ़ी मैसेजेस आए हैं जिनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने पार्लियामेंट थाने में आज FIR लिखा दी है, भेज दिया है अपनी चिट्ठी, मैं यही कर सकता हूँ। देखिए, हम बहुत गरीब आदमी हैं और मोहल्ले में गली में हमारा घर है, बहुत पतली गली है, आपकी मोटर भी नहीं जाएगी, लेकिन हमारी साख समाज में यह है कि जब हमने हाथ और दामन फैलाए तो हमारे दामन और हाथ भर गए, उससे हमने अपना कुछ नहीं बनाया। ईडी हमारा जब चाहे चेक कर ले। हमने उससे शैक्षिक संस्थान बनाए जिन्हें शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, बच्चियों के स्कूल बनाए, बच्चों के बनाए, मासूम बच्चों के बनाए, और एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाया। वो एक नेशनल एसेट है, उस एसेट को बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। अगर स्कूल बिल्डिंग्स छीन लेंगे आप, यूनिवर्सिटी में ताले डाल देंगे आप, तो तकरीबन 10,000 बच्चे और बच्चियाँ सड़कों पर आ जाएंगे, उनके भविष्य का क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी है सरकार की। घृणा मुझसे है, मेरे काम से नहीं होना चाहिए, लिंचिंग मेरी होना चाहिए, मेरे विचार की नहीं होना चाहिए। शैक्षिक संस्थानों को इस तरह बर्बाद करना अच्छी बात तो नहीं है। ये ज़मीनें जिनकी शिकायत है, ये 12-13 साल पहले खरीदी गई थी, चेकों से खरीदी थी, इनकी रजिस्ट्री हुई है, इनके दाखिल खारिज हो गए, इन पर विश्वविद्यालय बन गया। कोई कानून भारतवर्ष में ऐसा नहीं है कि 13 साल के बाद किसी ज़मीन का हिसाब लिया जा सके। सॉरी, वरना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि जो कॉलोनाइजेशन हुआ है देश भर में, या मॉल्स बने हैं, ज़मीन का बेचने वाला थाने में जाएगा, कुछ खुश करेगा थाने को और एक रिपोर्ट लिखवाएगा कि साहब 12-15 साल पहले जो मैंने ज़मीन बेची थी वो मुझसे ज़बरदस्ती इन्होंने ले ली, तो जो आज मेरे साथ हो रहा है वही कल उसके साथ होगा, पूरा देश खाली हो जाएगा। ये बग़ैर सोचे समझे मुझसे इंतकाम लेने के लिए आप देश के सामने गलत सवाल रख रहे हैं। 3 साल के बाद अगर एक दिन भी ज़्यादा हो जाए, एक दिन, दो दिन नहीं, 25 घंटे नहीं, 24 घंटे भी अगर ज़्यादा हो गए, तो फिर किसी अदालत, किसी थाने में कहीं इसकी कोई कंप्लेंट नहीं की जा सकती। 3 साल का समय है कि आप कहिए साहब ठगी कर ली, धोखा दे दिया, झूठ बोल दिया, ज़बरदस्ती छीन लिया, लेकिन सिविल लिटिगेशन होगा, क्रिमिनल नहीं होगा। हमारे ऊपर क्रिमिनल धाराएं लगाकर जिन लोगों को हम 13 साल पहले पैसा दे चुके हैं, उन लोगों ने हमारे खिलाफ शिकायतें की हैं, कितना बड़ा अन्याय है, और हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, किस बात की? ये चंदे से बनाया हुआ विश्वविद्यालय है, आप इसमें ताले डाल देंगे, बंद कर दीजिए, 1,000 बच्चों का और बच्चियों का भविष्य क्या होगा?
क्या कहेगा जमाना आपको, इतिहास क्या लिखेगा आपके बारे में? आजम खान की एक और परेशानी है और वो है उनका ट्विटर अकाउंट। इस अकाउंट पर जारी की गई पोस्ट और टिप्पणियों से वो साफ इनकार करते हैं। आजम कहते हैं कि जब उन्होंने कोई ट्विटर अकाउंट बनाया ही नहीं तो फिर वो उस पर पोस्ट कैसे डाल सकते हैं। आजम ने इस ट्विटर अकाउंट को फर्जी बताया और इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। कभी ट्विटर यूज नहीं किया, ट्विटर अकाउंट ही नहीं बनाया, लेकिन काफ़ी दिनों से मुझे इस बात की शिकायत मिल रही है, तकरीबन 6 महीने से, और इसकी मैं FIR पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन ना तो वो शख्स पकड़ा गया ना और ट्विटर अकाउंट बंद कराया गया, क्योंकि ये क्राइम है और बार बार सरकार कहती है कि साइबर क्राइम पर उनकी सख्त नज़र है। आज भी मेरे नाम से ट्विटर अकाउंट पर काफ़ी मैसेजेस आए हैं जिनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने पार्लियामेंट थाने में आज FIR लिखा दी है, भेज दिया है अपनी चिट्ठी, मैं यही कर सकता हूँ। आजम खान 2019 लोकसभा चुनाव से ही चर्चा में आ गए थे। सबसे पहले वो उस वक्त विवादित हुए जब उन्होंने रामपुर में अपनी प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी जया पर्दा पर अप्रत्यक्ष अमर्यादित टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी को लेकर इतना बवाल मचा कि चुनाव आयोग ने उन पर प्रचार करने पर 72 घंटे का बैन लगा दिया था। लेकिन आजम खान इसके बाद भी नहीं रुके, उन्होंने रामपुर में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों पर भी विवादित बयान दिया। आजम ने कहा कि अगर वो चुनाव जीत गए तो अधिकारियों से जूते साफ करवाएंगे। फिर आजम खान ने बयान दिया कि उनको चुनाव हरवाने के लिए यूपी सरकार जानबूझकर ऐसे अधिकारी तैनात कर रही है जो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। प्रशासन उन्हें चुनाव हरवाना चाहता था, लेकिन इस सब के बावजूद वो चुनाव जीत गए और अब उन्हें इसी की कीमत चुकानी पड़ रही है। बदले की भावना, मैं पार्लियामेंट का चुनाव जीत गया कुछ रईस लोगों के मुकाबले। हमारे DM साहब ने वायदा किया था सरकारों से कि वो चुनाव जिता कर लाएंगे, वो चुनाव नहीं जिता सके। हाँ, मेरी 4 लाख से लीड 1 लाख कर दी, 1.25 लाख। अब विधानसभा का चुनाव है, उसे जिताने के लिए पूरा जिला प्रशासन लग गया है, बहुत ज्यादती हो रही है, रामपुर वालों के साथ दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, बेगुनाहों को थानों में बिठाया जा रहा है, चालान किए जा रहे हैं, महिलाओं का अपमान हो रहा है। अगर आप इस वक्त रामपुर जाएंगे तो एक फिल्म स्टोरी तैयार करके ला सकते हैं, इतना जुल्म हो रहा है, इतना आतंक है। हर थाने में 2-4 लोग इस वक्त बैठे हुए होंगे, उनकी सिकाई हो रही होगी। मुझे अदालत से इंसाफ मिलेगा, मुझे ऐसा इंसाफ मिलेगा कि जिला प्रशासन जवाब नहीं दे पाएगा। हाँ, थोड़े दिन की परेशानी है, उठाऊंगा। इमरजेंसी में 2.25 साल बंद रहा था, माफी नहीं मांगी थी। सर, आपने बोल है, आपने लिंचिंग का भी जिक्र किया। आजम खान से मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर भी प्रतिक्रिया मांगी गई। इस पर भी आजम खान ने अपने अंदाज में जवाब दिया। आजम खान से उस पत्र के बारे में भी पूछा गया जिसे भारत के 40 बुद्धिजीवियों ने भारत के प्रधानमंत्री के नाम लिखा है। इस पत्र में सभी ने PM से देश में बढ़ रही मॉब लिंचिंग पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा है कि इस पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाए जाने की जरूरत है। आजम खान भी मॉब लिंचिंग पर प्रतिक्रिया देते आए हैं। आजम ने एक बार फिर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। जिस वक्त वो ये सोच रहे होंगे और ये लेटर लिख रहे होंगे, उस वक्त भी देश के कई हिस्सों में लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। प्रधानमंत्री जी कितना कर पाएंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमें खुद को तय करना पड़ेगा, भारतवासियों को। रिश्ते तो हमारे हैं, हम तो जा रहे थे पाकिस्तान, हमसे मतलब हमारे पूर्वज, हम तो उसके बाद पैदा हुए हैं। बापू ने वायदा किया था, सरदार पटेल जी ने किया था, नेहरू जी ने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था कि रुको, ये वतन है तुम्हारा, तुम्हारी कब्रें हैं यहाँ, तुम्हारे बुजुर्गों के मज़ार हैं, मस्जिदें हैं, जामा मस्जिद है, ताजमहल है तुम्हारा, कुतुब मीनार है तुम्हारी, ये हमारा वतन है, हम अपने वतन में रुके हैं। अपने वतन में रुकने की ये सज़ा ज़्यादा है।
प्रधानमंत्रियों के लिए एक म्यूजियम का घोषणा की है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सपा सांसद आजम खान इन दिनों मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मामले की शुरुआत रामपुर में उर्दू गेट गिराने से हुई थी, जिसका आजम खान ने काफी विरोध किया था। इसके बाद आजम खान पर जौहर यूनिवर्सिटी में नदी की जमीन मिलाने का आरोप भी लगा। प्राधिकरण की एक टीम ने यूनिवर्सिटी में जाकर जांच भी की थी। इसके बाद आजम खान के खिलाफ उन किसानों की शिकायतें आने का सिलसिला शुरू हुआ जिनकी जमीन जौहर यूनिवर्सिटी परिसर का हिस्सा है। इस मामले में एक के बाद एक 27 मुकदमे दायर किए। आजम खान के साथ ही यूनिवर्सिटी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आली हसन के खिलाफ भी मुकदमे दायर किए गए। आली हसन पूर्व में रामपुर पुलिस के COCT भी रह चुके।